में स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 1। ये आपके पास एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यानी तवाज़ुनी मुस्तकिल की। इसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं और कुछ हमारे और बातें हैं इसके यूनिट्स वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। तो जरा देखिए, फॉर द रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन SO2 और O की बात कर रहे हैं टू फॉर्म ट्राइऑक्साइड यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड द बैलेंस रिवर्सिबल रिएक्शन इज। देखिए आपके पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्या आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन, कौन सा है रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन, ये पूरा रिवर्सिबल रिएक्शन, डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसे आपके पास RF है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने क्या करा, कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रहेगा तो ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन है तो SO2O2। अब इससे इस तरीके से लिख देंगे, यानी ये क्या है आपके पास, रिएक्टेंट्स हैं, क्या है रिएक्टेंट्स हैं आपके पास। अब अगर देखिए आपके पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको बैकवर्ड रिएक्शन लिख दीजिए या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात है लिख दीजिए, तो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या होगा, यहाँ भी कॉन्स्टेंट आ गया तो कॉन्स्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट आ जाएगा, ये क्या है आपके पास, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अगर देखिए हमने पहले भी पढ़ा था KC बराबर किसके होता है, रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट के बराबर होता है KC। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के बराबर होता है, तो ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट आपके पास क्या है KR हो गया और रिएक्टेंट आपके पास क्या है KF हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अब इस तरीके से ध्यान लीजिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर किस होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है SO3 है, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है SO3 हो जाएगा, तो KR अपॉन KF हो जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन तो KC हो सकता है बराबर किसके, KR अपॉन KF के कह दीजिए, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के, या इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या आपके पास SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है और आपके पास क्या है ये रिएक्टेंट क्या है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। इसके ऊपर कुछ नहीं समझ लेवन है तो ऊपर लिखते नहीं है। तो ये थे आपके पास इसकी एक्सप्रेशन थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की KC यानी तवाज़ुनी मुस्तकिल की। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। तो जरा देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर डिटरमिन्ड बाय ऑब्जर्विंग द कंसंट्रेशन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट्स मालूम करते हैं इन अ सिंगल रिएक्शन अंटिल इट रीच इक्विलिब्रियम एंड द कैलकुलेटिंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी होंगी, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जरा देखिए इसके जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आर एस फॉलो। तो जरा देखिए KC मीन क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली वर्क इन इक्विलिब्रियम, तो ये किस पे, इक्विलिब्रियम पे ही लागू होता है KC यानी तवाज़ुनी मुस्तकिल, नाम से जाहिर है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तवाज़ुनी मुस्तकिल। नंबर टू देखिए, इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल डेसीमीटर -3 या -50 लीजिए, तो इसकी जो होगा कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होगा उसका ये इसमें शो करेंगे हम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को उसका यूनिट क्या होगा समझना ही होगा। नंबर 3 देखिए, KC इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो ये भी थर्ड पार्ट है इसका, रिएक्टेंट क्या होगी जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट क्या होगी मैंने बताया, कंसंट्रेशन मतलब मिकदार, तो ये बात जहन में रखिएगा। नंबर 4 देखिए, KC वेरीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी करता रहता है, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती हो सकती है। नंबर 5 देखिए, KC इज बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कोफिशिएंट, ये क्या किसी बैलेंस आगे चल के इसके बैलेंस इसके न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस करेंगे तो उसका कोफिशिएंट है। नंबर 6 देखिए, KC रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ KC इज लार्जर देन 1, ये मेन पॉइंट है सबसे, देन रिएक्शन इज फॉरवर्ड, लार्जर देन 1 की वैल्यू और KC क्या है इसकी कैलकुलेशन वगैरह सॉल्व करेंगे आगे के लेक्चर में, तो फॉरवर्ड होगा और लेस देन 1 होगी तो क्या होगा रिवर्स होगा। नंबर 7 देखिए, KC इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इट्स यूनिट टू डिफाइन केमिकल बिहेवियर, तो क्या है रेशियो ऑफ रिएक्टेंट यानी रेशियो निकाल लेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का तो क्या आएगा KC आ जाएगा। तो ये हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में भी डिस्कस किया था और इसको आगे तक जब इसके न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस करेंगे तो उसको मजीद हम इस पर बात करेंगे, तो इस पर थोड़ा सा जानना आपको जरूरी था। तो ये इसकी एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को लेते हुए क्या होगा इसकी कैलकुलेशन वगैरह हम करेंगे इक्विलिब्रियम की।
तो ये तवाज़ुन कैसे मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तवाज़ुन ही मुस्तकिल। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।